बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने हमारी दुकान से दो पैकेट बिरयानी लिया है। हाँ, तो क्या, तो पैसे भी तो देने चाहिए ना बिरयानी के। हम पैसे मांगे तो बोल रहे हैं कि हम मैडम सर के रिश्तेदार हैं। हाँ मैडम, और यही घपला इन्होंने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ किया है और सेम लाइन चिपकाई है जो इकबाल बाबू को चिपकाई है कि मैडम सर के रिश्तेदार हैं। हाँ। क्या नौटंकी है ये? तुमको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा? तुम इतनी बड़ी पुलिस अधिकारी के नाम पे कुछ भी बिल फाड़ रही हो? हाँ, रिश्तेदार हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब? डरे वो जो झूठ बोले। हमने कोई झूठ नहीं बोला, हम हसीना बाजी की कजिन है। हमारी कजिन? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हसीना बाजी। होल्ड ऑन, एक सेकेंड, कौन है आप? हम जानते हैं तुम्हें? कैसे जानेंगी, सब पहली बार मिले थे, तब हम 14 साल के थे। आप तो बिल्कुल वैसी हैं, जरा भी नहीं बदली, बल्कि अभी तो और खूबसूरत हो गई हैं। हाँ, I'm sorry, लेकिन कौन हो तुम? शाजिया सिद्दीकी, 2016 आजमगढ़, अब्बास अंकल की शादी में मिले थे, आप नूर खाला के साथ आई थी, अम्मी ने वही तो मिलाया था आपसे। एक मिनट, इतने दूर से आई हो तो आने से पहले फोन तो कर लिया होता, घर के किसी बड़े ने फोन किया होता ना, फिर तुम आ रही हो। फोन तो किया था पर लग ही नहीं रहा था। अब ये देखिए ना, बहुत कोशिश की, दिखाइए। गलत है जी? गलत है मतलब? ये 3 की जगह 8 होना चाहिए। ओह अच्छा, तभी हम सोचे कि फोन क्यों नहीं लग रहा था। वो अब्बास अंकल की शादी में कुछ गड़बड़ हो गई होगी नंबर लेने में। मैडम, सच में हसीना मैडम की कजन लग रही है, इसके पास तो इनका फोन नंबर भी है। 2016 में मैडम सर आप आजमगढ़ गई थी? गए थे। अब्बास मस्तान की शादी में? अब्बास अंकल की शादी में? हाँ गए थे। तो पक्का यही आपकी कजिन है? हारी हाँ, मी पहुंच गए, सब बराबर है, संभाल के पहुंच गए। ठीक है, चलिए। कहाँ रह गई थी लड़की? वो अम्मी से बात कर रहे थे, आप तो उनको जानती है ना। ठीक से पहुंच गए, कुछ खाया कि नहीं, नूर खाला ने पहचाना कि नहीं। हमने बोला हाँ भाई, सबने पहचान लिया। और हमने उनको ये भी बोला कि हम लोग नूर खाला के हाथ की वर्ल्ड फेमस बिरयानी खा रहे हैं। और आपको पता है खाला, एक जमाने में पूरा मुजफ्फरपुर आपकी बिरयानी की खुशबू से महकता था। अरे बिरयानी बनाना तो हमने तेरी अम्मी से सीखा है, उम्र में बड़े हम थे, लेकिन खाना बनाना तेरी अम्मी से बेहतर पूरे खानदान में कोई नहीं जानता था। मेरी अम्मी क्या खाला, अब भी ना। अच्छा, हमारी एक बार बात तो करा देना। करीब करीब 2 महीने हो गए बात नहीं हुई है, हमें भी वक्त नहीं मिला और उसका भी कॉल नहीं आया, बात करा दे लगा फोन। हाँ अभी करवाते हैं। क्या हुआ लगा? इंगेज आ रहा है, बिजी हो गई होंगी अपनी सहेलियों के साथ, आप तो अम्मी को जानती है ना, जहाँ शाम हुई आओ बहनों चुगली करे। ए लड़की, मजाक उड़ाती है अपनी अम्मी का। अरे नहीं नहीं, सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ यहीं पर हूँ, आपके घर में, और आपके साथ हसीना अपा। सच बताऊँ तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम जैसी लड़कियों के लिए, हमारे लिए। हजारों लाखों लड़कियाँ आपकी तरह बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। सच कहे ना शाजिया, तो ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हमें भी ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि हम इतनी सारी लड़कियों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर कर पाए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा दे पाए। लेकिन सच कहे तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, क्योंकि असलियत में जितनी लड़कियों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए उतनी नहीं करती हैं। कैन यू बिलीव, पिछले साल के हमारे पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज्यादा है। फिर भी फीमेल पुलिस कर्मियों को रेशो कितना है? ओनली 10.5। हमें समझ नहीं आता कि
कहाँ कमी रह गई? क्यों लड़कियाँ फोर्स ज्वाइन नहीं करती हैं? सोच है दी, बदलने में तो वक्त लगेगा ना। बहुत कुछ बदल चुका है, बदल रहा है और बदलेगा। आप देखिएगा आपा, 2 साल बाद फीमेल ऑफिसर्स का रेशियो बदलेगा ही। अब सच है, लड़कियों को समझ में आ रहा है कि उनकी पहचान सिर्फ किसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट तक मिस फलाना फलाना सीमित नहीं है। उनकी खुद की जिंदगी है, इम्पोर्टेंस है, आइडेंटिटी है, हक है। देश और समाज को उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी पुरुषों की है। आपको तो पता भी नहीं है बाजी, आपसे इंस्पायर होके कितनी सारी लड़कियां अपने कंजर्वेटिव माहौल से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही हैं। Isn't that great? है ना? क्योंकि जीत तब वही है जो लड़ता है। फक्र है मुझे कि तुम पुलिस अफसर बनकर देश के लिए कुछ करना चाहती हो। बिल्कुल सही। वैसे फिलहाल सिचुएशन क्या है? फिलहाल तो रिटर्न एग्जाम देने हैं, उसके बाद फिजिकल क्लियरेंस और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। ओके, ठीक है, कुछ मदद चाहिए तो बताना। बाकी सब तो ठीक है, हिंदी लॉ और रीजनिंग में हम थोड़े वीक है, उसमें अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पुष्पा जी हिंदी में मदद कर देंगी, करिश्मा सिंह रीजनिंग में मदद कर देंगी, और हमें लॉ की जितनी नॉलेज है वो हम तुम्हें बता देंगे। वो मदद करेंगी हमारी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगी। वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही सोचती हैं दोनों। इनफैक्ट तजुर्बा कहता है हमारा कि एक सोच के लोग ही हमेशा इनकलाब ला सकते हैं। देखो है कहीं, चल निकल। अरे ओ चाचा, देखो यार लड़की है। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अरे चाचा चाचा, अरे गौर से देख ले यार पहले। नहीं साहब, हमने नहीं देखा है, हमें जाने दीजिए। झगड़ा बन रहा ना, बता रहा तू नहीं देखा ना? एक बार हाथ में तो आ तू, तेरे तो पर मैं काटूंगा। हरी सब्जी वाला। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ। अच्छा ये सब्जियाँ फ्रेश है ना? अरे आपकी बिरयानी थोड़ी ना है, फिर फूल गोभी है। मार देंगे, धंधा गिरवाओगे तुम। पुष्पा जी। हाँ। अरे एक लड़की की जरूरत है, थोड़ा आएंगी आप? हमारे बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। लिख लो लिख लो, हम आते हैं। बोलो भाई क्या है? बहुत जरूरी काम है ना? पुष्पा जी क्या है ना, ताजी सब्जियां छाट दीजिए, आपको ज्यादा अनुभव है ना। क्या है भाई? हाँ, लड़की कभी देखी नहीं है जो इतना टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं उसको। अरे पुष्पा जी, कल रात कुछ लोग इस लड़की को ढूंढ रहे थे। इस लड़की का फोटो लोगों को दिखाकर इसका पता पूछ रहे थे। हमको तो कुछ गड़बड़ लगता है। लड़की देखी का? अरे ध्यान से देख। बैठो बैठो, चलो आगे लिखो। बैठो। यहाँ पे मच्छर कितने हैं ना पुष्पा जी, आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं? नहीं तो? हमको बहुत काट रहे हैं, अंदर जाके पढ़ते हैं ना। अभी चाय कहाँ खत्म हुई हमारी? आप चाय पी लिए? हम चाय वैसे भी नहीं पीते, आप आइए अंदर, हम पहुँचते हैं। कल रात कुछ लोग इस लड़की का फोटो लोगों को दिखा कर इसका पता पूछ रहे थे। सुनो सुनो, रुको, अब कहाँ भाग रही है? Are you sure? कहीं कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट ऑनलाइन कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसकी? नो मैम, इस आइडेंटिटी की कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। शाजिया यहाँ।
शाजिया आप तुम ठीक हो? थोड़ी घबराई हुई परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं बाजी, हम ठीक है, हम एकदम ठीक है। Are you sure? हाँ। Okay, good. अच्छा, तो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी के लिए हमने काजू बर्फी मंगाई है, उन्हें बहुत पसंद है ना? जी जी अम्मी को बहुत पसंद है काजू की बर्फी, हम ले जाएंगे। Are you sure तुम ठीक हो, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी? हाँ हम एकदम ठीक है, क्यों क्या हो गया? पक्का ना? जी पक्का, हम एकदम ठीक है बाजी। अगर कुछ होगा तो हमें बताओगी? कुछ होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे ना बाजी, आप ही तो हैं हमारी। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, तुम्हारे इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है। कौन? इरशाद मामू शाजिया, तुम्हारे पड़ोसी, तुम बचपन में उनकी गोद में खेली हो, भूल गए तुम अपने मामू को? अच्छा इरशाद मामू, अरे बाजी हम उनको बचपन से इशु मामू कहते हैं ना, तो आदत नहीं है इरशाद मामू सुनने की। जी जी हम उनको दे देंगे। तो इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है, उन्हें दे देना, लेकिन बहुत ज्यादा खाने मत देना, तुम जानती हो ना उनके लिए ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? शाजिया कम ऑन, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे इरशाद मामू को डायबिटीज है, वो बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो उनके लिए जहर बन जाएगा। ओ अच्छा, वो हम भूल ही गए थे कि वो डायबिटीज पेशेंट है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें ज्यादा नहीं खाने देंगे। मैडम सर क्या लगता है आप लोगों को? तो आप लोगों को ये शक है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हमारी कजिन नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमें उल्लू बनाकर हमारे साथ हमारे घर में रह रही है? बिल्कुल सही लगा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमें भी शक था और अभी अभी हमारा शक कंफर्म भी हो गया जब हमने उसके सामने कुछ फर्जी नाम लिए और वो मान गई। मैडम सर जब आप ये बात जानती है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो कोई भी हो सकती है, फिर भी आपने उसे अपने घर पे रखा है, मतलब डर नहीं किसी बात का? क्योंकि झूठा होने में और धोखेबाज होने में फर्क होता है। झूठ कई लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन झूठ के पीछे का इंटेंशन बहुत मायने रखता है। हमें नहीं लगता कि ये लड़की हमारा कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये झूठी जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। नहीं नहीं, मगर इसके पीछे उसका कुछ अलग इरादा भी तो हो सकता है ना? पता है पुष्पा जी, जिन लोगों का कोई खतरनाक इरादा होता है या जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस अलग से समझ में आ जाती हैं, पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस लड़की को देखिए, ये तो खुद इतनी घबराई हुई है, इतनी परेशान है, हो सकता है इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी हो, सच में इसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। हमें नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी एक काम करते हैं, इस पर नजर रखते हैं जस्ट टू बी सेफ, लेकिन साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है और ये झूठ बोल रही है। जी बस अपना ख्याल रखिए। हम ठीक हैं, हम जीत गए। भाई साहब पूरा लखनऊ छान मारो, एक एक आदमी पकड़ पकड़ के पूछो है, कोई सुराग ना हाथ लगा वो लड़की को, कोई ना लगता वो लड़की लखनऊ में है भी। अरे अकल के अंधो, लखनऊ में ही होगी और कहाँ जाएगी? मुझे किसी भी कीमत पर शाजिया देवलपुर में चाहिए, समझे, किसी भी कीमत पर। जब तक तुम शाजिया को ढूंढ नहीं लेते, हम शाजिया के घर पे ही डेरा डाल के बैठे हैं। ये चिंगारी बुझनी ही चाहिए, नहीं तो कभी ये चिंगारी ज्वाला बन के हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारी सभ्यता सबको भस्म कर देगी। मुझे शाजिया इस गांव में चाहिए, इस गांव के सामने, सबके सामने उसके दुस्साहस का दंड दिया जाएगा, ताकि आगे से कोई भी लड़की गांव से बाहर निकलने से पहले हजार बार सोचे, लक्ष्मण रेखा अपने दिमाग में रखे हर समय, समझे। ढूंढो उसे। बाबू डिज्नीलैंड मेला लगा है क्या, इतना घूर के देख रहे हो? थाना है यार, क्या बात है बोलो। हाँ भाई कौन है आप सब, क्या चाहते हैं? ये हमारे आदमी है मैडम।
बबलू देवलिया, गांव देवलपाल, जिला जगनपुर, डिस्ट्रिक्ट बनिहार। आपके बारे में बहुत सुना है, छापे में छपते रहते हो, लेकिन सोचा नहीं था कभी ऐसे साक्षात भेंट होंगे। ठीक है, तो क्या चाहते हो फिर? मैडम, मेरा नाम है शाहिद और यू मेरे गामसू है। मेरी बहन लापता है और हमें खबर मिली है वो यहाँ छुपा रखी है। नाम क्या है तुम्हारी बहन का? साजिया सिद्दीकी। कहाँ जा रहे हो? भैया जी, साजिया उरी। तो देख का है रे अबे, रसीद के लाओ उसे बाहर। रुको बे। माओ, एक कदम आगे और बढ़ाया ना, टांग तोड़ के रख देंगे। लड़की को हमें हवाले कर दो, नहीं तो ये गया। निकलो यहां से, वरना छितरा देंगे, बता रहे हैं दाग देंगे गोली दिमाग में। आवा आवा आवा। बहुत बढ़िया, एक तो हमारी घर की लड़की को यहाँ छुपा के रखा है, दूसरा हम पे ही पुलिसिया गुंडागर्दी। लड़की बालिक है, कानूनन उसे कहीं भी जाने की कहीं भी आने की पूरी आजादी है। अगर तुम चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो, ऑफिशियल रिपोर्ट लिखवा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करने वाले तो निकलो यहां से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है पूरा परिचय नहीं मिला है हमारे बारे में। हम रिपोर्ट लिखवाते नहीं है मैडम, रिपोर्ट का निपटारा करवाते हैं। जरा से भी दिमाग में बुद्धि बची है ना तो चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बता रहे हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना तुम सबको जेल में डाल देंगे। निकलो। चलो बे। मिस मलिक, उस लड़की का क्या नाम बताया आपने? साजिया सिद्दीकी। हाँ, साजिया सिद्दीकी। अरे उस लड़की ने बिल्कुल सही बताया। अरे भाई, हम सब जानते हैं प्रदेश की सीमा से लेके जो भी गांव कस्बे है ना, वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। वहाँ पे ये मान लो कि कानून व्यवस्था होती ही नहीं है, उसका फायदा उठाते हैं वहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं, वो अपनी मनमानी चलाते हैं, अपना राज चलाते हैं, और ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे। प्रदेश सरकार तटस्थ है इस बात के लिए कि वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू की जाए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन होंगे, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था होगी, लेकिन तब तक के लिए साजिया सिद्दीकी की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारा डिपार्टमेंट उसकी पूरी सुरक्षा करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हमें पता था कि आप हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। अरे ये तो देवलपार का क्या मामला है? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे सर, हम सब जानते हैं देवलपार के बारे में, आपको कैसे पता सर? सर, आपके आने के कुछ देर पहले ही हसीना मलिक हमें देवलपार के बारे में ही बता रही थी। जानते क्या हैं आप देवलपार के बारे में? देखिए सर, दरअसल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ
100-150 घरों वाला छोटा सा कस्बा है वो, फिर भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रदेश का कोई भी छोटा बड़ा इलेक्शन इनके वोटों पर बहुत डिपेंड करता है। आपको पता है वहां पुलिस स्टेशन तक नहीं है, इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड वहां के लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आने वाले स्टेट इलेक्शन में फर्क पड़े। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर, उस गांव की एक बच्ची ने हमसे प्रोटेक्शन मांगी है सर, तो क्या उसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? प्रोटेक्शन दीजिए, पर कानून के मुताबिक। आप एक काम कीजिए, उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए, बाकी वो देख लेंगे। ओके सर। लेकिन सर, मिस मल्लिक जिनका काम है उन्हें करने दीजिए। हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए वो लड़की और छूट जाइए जिम्मेदारी से। हम उस लड़की को हैंडओवर नहीं करेंगे सर। क्या? माफ कीजिए सर, लेकिन ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस लड़की को हैंडओवर करने का मतलब है वापस उसी नरक में ढकेल देना जहां से वो बड़ी मुश्किल से बचकर निकली है। माफ कीजिए, लेकिन हम एक मासूम बच्ची को आदमखोर मगरमच्छ के तालाब में नहीं फेंकेंगे सर। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मिस मल्लिक, शायद आप ये भूल रही हैं कि आप कहां खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं। रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। उस लड़की को हेडक्वार्टर के स्टाफ को हैंडओवर कीजिए। Am I clear? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अपने सीनियर से ऐसे बात की जाती है भला? आपने सीनियर की बात न मान करके आपने उनकी अवहेलना की है, पुलिस डेकोरम का अपमान किया है आपने। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें जो सही लगा हमने कहा। हम समझते क्यों नहीं है? अरे भाई, पुलिस डिपार्टमेंट में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका फ्यूचर उज्जवल है, आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर आप ये सब ऐसी हरकतें करेंगी ना तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। जैसा वो कहते हैं ना वैसा कीजिए। नहीं सर, इस लड़की को तो प्रोटेक्ट हम ही करेंगे। और जहां तक बात है नौकरी की, तो हमने वर्दी के लिए नौकरी की है सर, नौकरी के लिए वर्दी नहीं पहनी है। अगर नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन हम अपनी जमीर की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस लड़की को तो हम भी प्रोटेक्ट करेंगे। भैया आप जाइए। और तुम कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी? वही हुआ जिसका डर था। मुझे अम्मी ने पुलिस का एग्जाम देने से नहीं रोका था, बल्कि उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया था। यहाँ लखनऊ भेजा उन्होंने मुझे, और इसीलिए गांव वालों ने उनको पूरे गांव में जलील किया। वो बहुत मुसीबत में है और मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं पहुंची तो वो लोग रत्ना चाची जैसा हाल करेंगे मेरी अम्मी का। तुम एग्जाम देने आई थी, तुम एग्जाम देकर ही जाओगी। पर अम्मी? अम्मी को कुछ नहीं होगा। हम तुमसे वादा करते हैं, हम जाएंगे अभी देवल पार और तुम्हारी अम्मी के प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम करके आएंगे। नहीं नहीं हसीना बाजी, आप वहाँ अकेले नहीं जा सकती। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत जालिम लोग है वो। तुमसे किसने कहा कि मैडम सर अकेली जा रही है? जब तक हम मैडम सर के साथ है, फिक्र उसको होनी चाहिए जो उनको हाथ लगाने का भी सोचेगा। आपको क्या लगा मैडम सर कि आप अकेली चली जाएंगी? हम वो जिद्दी साया ना आपका, जो आपको अंधेरे में भी कभी खाली नहीं छोड़ेगा। हेड ऑफिस से साजिया सिद्दीकी को कस्टडी में लेने का ऑर्डर है। सर, साजिया कहीं नहीं जाएगी। क्या? हम उसकी कस्टडी आपको नहीं दे सकते। कस्टडी में लो। देखिए अब रुको।
मेरी क्लाइंट शाजिया सिद्दीकी और ये एक बालिग लड़की है और कानूनन आप इसे इसकी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसीलिए उसकी कस्टडी का ये ऑर्डर हम खारिज करते हैं। आप लोग प्लीज जाकर अपने सीनियर्स से बात कीजिए, उनसे कहिए कि अभी मेरी क्लाइंट शाजिया सिद्दीकी के अगेंस्ट कोई दूसरा ऑर्डर निकालने से पहले सोच ले, क्योंकि अभी इसकी वकील शिवानी पवार है। अगर उन्हें मेरा नाम याद नहीं आ रहा होगा तो पुराना नाम बता देना, शिवानी ताई। जय महाराष्ट्र। जंगल बिंगल में लेके आए रे, क्या दूर दूर तक इधर एक होटल नहीं, दारू का ठेका नहीं, गला गीला करने का है मेरे को, कुछ नहीं तो पानी पिला दे डार्लिंग, बहुत गर्मी है। ए, ये गाड़ी तू चला रही थी? औरत होकर तू गाड़ी चला रही थी? ए, गरीबों के रणवीर सिंह, औरत लोग क्या नहीं करते रे, अभी देश चलाते, हवाई जहाज चलाते, दुनिया चलाते, गाड़ी नहीं चला सकते? ए, ये सब कहीं और होता होगा, ये देवल पार गाँव में औरतों को मर्दों का काम करने की परमिशन नहीं है। रुक, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, गाड़ी औरत ही चला रही थी, पर मैं नहीं, गाड़ी चला रही थी हमारी मैडम। कितना गर्म होता है यहाँ पे। हाय हाय। औरत होगी तू गाड़ी चला रही थी? थैंक यू। ये कौन है? ये कौन तेरे को नहीं मालूम? आइचा गावत वड़ा पावत मेलिया। अरे ये साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपर स्टार, क्या मालूम तेरे को? मैडम पकड़ो जरा, पकड़ो। ये जबी 70 mm के पिक्चर में सामने आती है ना, तो पूरे इंडस्ट्री का क्या, आपके देश का संतुलन बिगड़ जाता है। मालूम क्या, जब वो बाल झटकाती है ठुमका लगाती हो। कौन था वहाँ ऐसी शूटिंग में ठुमके लगा रहा था? यस करी अम्मा, ये मई है, तुम्हारा प्यारा लविंग यंगर सिस्टर, साउथ की सुपरस्टार करीना। ए ताली बजा रे। नो क्लैपिंग। अगर ये इतनी बड़ी सुपरस्टार है तो हमारे गांव देवल पार में क्या कर रही है? मई यहाँ क्या करता? मई उस चीटर को खोजता। चीटर? तो मेरे को झूठा बनाया, मेरे को उल्लू विंग बनाया, मुझे चूना लगाया, करीना द क्वीन को चूना लगाया। मेरे को भी। हाँ, इसका मानी लेके भागता, इसका दिल लेके भागता, मेरे को प्यार का वेजिटेबल का बगीचा दिखाता, मुझे प्रॉमिस करता कि मुझसे शादी करता और फिर भाग जाता। कई मैं उसको ढूंढता, किधर है वो, किधर, मुझे पता चला कि वो देवल पार गांव में रहता। किधर वो? को, कौन है वो, क्या नाम है उसका? गुड्डू देवलिया। ठीक है, तुम लोग चलो मेरे साथ। What about my गाड़ी? अरे ये गाड़ी भी यहाँ पे कोई मर्द लेकर आएगा, और तो नहीं चला सकती यहाँ पे। चलो। नाला मोटा, चल। ए कोई मर्द गाड़ी लेकर आ रहे? ए क्या रे तुम दोनों, पूरे टाइम ये बंदूक लेके खड़े रहते, चंडास बिंडास जाते कि नहीं? अरे मतलब थोड़ा ब्रेक लेने का, संतुलन बना के रखने का। अरे का हो रहा है भाई ये? देखिए चट्टी भैया बात, अरे गुड्डू है हम। ओके, शेम टू शेम। बात यह है कि अभी हमारी मैडम का रिहर्सल करने का टाइम हो गया है, उनको डांस का प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग जाएगा? अरे नहीं रे डार्लिंग, सिट एंजॉय द शो, बस थोड़ा लाइट डिम कर दो प्लीज।
ए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? अभी तेरे को क्या झूठ बोलू, खरा सांगू तो मैं बाटली ढूंढ रही है रे। क्या? अरे जब से मैं आई इधर तब से तुम लोग बैठ के एक के बाद एक के बाद एक के बाद टिकाए जा रही है, टिकाए जा रहे। तुम लोग को देख के मेरा गला सूख रहा है। तो मैं सोचा नीचे नाच गाना चल रहा है ना, तो आके भी चुपचाप एक बाटली ढूंढते हो इधर, तो क्या थोड़ा मेरा भी गला गीला आएगा, समझा क्या? अच्छा ये बात है। है क्या तेरे पास फिर बाटली? है ना, देना। ये ले। अच्छा गावत वड़ा पावा, एक नंबर आदमी हो तुम। तू नहीं पिएगा? पीऊंगा ना। तो तेरा बाटली किधर है? ये है ना। ये छे 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 छे, उर्मी अपनी दारू किसी को नहीं देती, तो अपनी बाटली खुद लेके आ। तो है ना देसी। पूरा स्टॉक रखता है, वेरी गुड। अरे तुम्हारी नौकरानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अरे होगा किधर, आई एम नॉट हर मदर जो मैं उसका हर टेबल का हिसाब रखता। वो तो यहाँ आने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता ना, इसलिए मैं उसको लेकर आता, वरना वो किधर और मैं किधर। जस्ट लुक एट मी, आई एम सुपर क्लासी, शी इज ओनली माय दासी। ये दासी किसको बोल रही है? माय मैनेजर है। माय मैनेजर? किधर थी तू? तुम लोग के आदमी लोग नहीं जाते, मैं तो जाती है ना। वैसे मैडम मेरे को क्या लगता है कि आज के लिए प्रश्निक बस हो गया, अभी कल करते हैं, अभी थक गए रहेंगे आप। अरे वो महिला थाने का फोटो मिला क्या? कुछ मिला तो है। अगर इन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई कि हम पुलिस थाने से हैं, तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। दिखाओ। अरे कहा है बे? अरे कहे तो थे कि नेटवर्क सही करवा लीजिए, कछुए की तरह चल रहा है ये। चलिए चलिए मैडम, हम चलते हाँ। चलते हाँ, ओके बाय, थैंक यू। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सबके सब निकम्मे भर्ती हो रखे हैं। हटाओ, हम ही कुछ इंतजाम करते हैं। मालूम था तुम्हारी बुद्धि चलेगी और तुम यही रास्ता लोगे। अब बताओ कैसे बचोगे हैं? इसका मतलब
मैडम जी, असलियत में जिंदगी का सच और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होता है। और हम सबको मामूली औरतें, औरत मामूली, जो आदमी तुम्हारे सबके ऊपर अत्याचार करता वो भी हम औरतों के अंदर से ही बाहर आता। अरे बंद करो, स्टॉप अपने आप को बेबस और लाचार समझना। अरे तुम भी ना मैडम, क्या ये फालतू लोगों के सामने अपना सर फोड़ रहे लिए? क्या है ना, इन लोगों को ना ऐसे ही जीने का आदत हो गया है। सुबह सुबह उठ के जब तक पति का दो लात नहीं खाती, दो गाली नहीं खाती, कोई इनका बेइज्जती नहीं करता, तब तक इनके पेट में खाना हजम ही नहीं होता। क्या है ना, ऐसा जिंदगी जी जी के इनको अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, और अपन इनको दिखा रहे हैं आजादी की रोशनी। अरे क्या समझ में आएगा रे इनको रे, खाली पीली अपन ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम राइट बोलता। और वैसे भी मैडम, एक बार तुमने ही अपने को बोला था कि मुर्दे में जान नहीं फूका जाता, उसका सिर्फ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बस एक दिन इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे ही, और हो जाएगा अंतिम संस्कार। अपन ना चलते इधर से, मेरे को ना अभी इनले की थकेली शक्ल देख के उल्टी आ रही है। ये जमीर नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, खुद का कुछ जज्बा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को नहीं रहना इन लोगों के साथ, चल अपन अपनी आजाद जिंदगी जीते। लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, देवलपार पॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट गांव है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आज तक वहां के किसी भी एमएलए ने एक पुलिस स्टेशन नहीं खोला वहां। यहां आने से पहले इस एरिया के बारे में और देवलपार गांव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए मालूम सर। ऑफ रिकॉर्ड यहां का एमएलए भी अपने वोट बैंक के लिए देवलिया ब्रदर्स के लीगल और इलीगल चीजों में सपोर्ट करता है, और ये पावर का ये देवलिया ब्रदर्स बहुत फायदा उठाते हैं। कोई कहने सुनने को कुछ नहीं है ना, और कानून का भी वो बहुत मजाक बनाते हैं, जो चाहे जी में वो कर लेते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ का लोकल एमएलए जो है ये देवलिया ब्रदर्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है आज। देखिए, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होती है हमारे क्षेत्रवासियों को प्रॉपर सुरक्षा, टोटल अपराध मुक्त समाज। क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं? अपराध मुक्त समाज आप कह रहे हैं, जिन्होंने खुद गुंडों को पाल रखा है, इस तरह बनाएंगे आप एक अपराध मुक्त समाज? ये पिछड़ी सोच के जंगली लोग जो आज भी उस सड़ी गली परंपरा का बोझ ढो रहे हैं, ना खुद बदल रहे हैं ना देश को बदलने दे रहे हैं। उसी दकियानुसी सोच को इन्होंने पकड़ के रखा है, जहां औरतों को पैर की जुत्ती के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता है। अगर आपको सच में अपने लोगों की थोड़ी सी परवाह होती, अपने चुनाव क्षेत्र की परवाह होती, समाज की परवाह होती, तो आप यहाँ पर एक पुलिस थाना खुलवा चुके होते, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और गुड्डू और बबलू जैसे घटिया गुंडों को अपनी मनमानी करने की हिम्मत ना मिले। हिम्मत है तो बोलिए, आज इस मीडिया के माध्यम से आप सबके सामने ये ऐलान कीजिए कि आप यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन खुलवाएंगे। अगर नहीं खुलवाएंगे तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। बोलिए। नहीं सर, वो आप सबकी इतनी परवाह करते हैं ना, सबको सेफ फील कराना चाहते हैं, तो आप कीजिए ना ऐलान। अरे हमें भी बोलने दीजिए ना। हम भी तो यही कहने जा रहे थे कि आज ही हम हाई अथॉरिटी से मिलकर हमारे इस क्षेत्र में नया थाना सैंक्शन करवाते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ बहुत बड़ा थाना और सभी सुविधा युक्त खुलेगा, और हमारे क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर लागू होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला चुनाव लड़ना तो छोड़िए, हम अभी के अभी एमएलए के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये क्या बोल दिया सर आप? ये महिला थाना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी।
इन्हें बताना होगा कि जब जूता काटने पर आता है तो कैसे छील कर रख देता है। थैंक यू, बहुत छोटा शब्द है, आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, तुम बाजी ही कहो, तुम्हारे मुंह से बाजी सुन के अच्छा लगता है। और सच कहें तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से थोड़ा सा ही सही हम उस दकियानुसी सोच को बदल पाए, औरतों को उस जकड़ी बेड़ियों से निकाल पाए जिनमें वो न जाने कितनी सदियों से अटकी हैं। सो थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा कि हथौड़ा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जेवर बनाने के लिए सोनार की छोटी सी छेनी ही काम आती है। और तुम हो वो प्यारी सी छोटी सी छेनी जिसकी कोशिश की वजह से, जिसकी शुरुआत की वजह से आगे चलकर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बेशकीमती जेवर बनेंगे, और तब जाकर हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा सोने की चिड़िया। बाजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलते हैं। तुमने इस लड़ाई में हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। कैसे ना देती जज्बातों वाली भाई, कहा था ना मैंने, मेरी जान तेरी कर्जदार रहेगी हमेशा। अगर कभी तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी ना तो वो भी दे दूंगी खुशी खुशी। बस हमारी लड़ाई तो वैसे भी एक ही थी जिसके वजह से ये शिवानी पवार शिवानी ताई बन गई थी, तो फिर कैसे ना देती तेरा साथ। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तेरे केस की पूरी पढ़ाई करके आई थी, जिस तरीके से तूने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाकर अपने सीनियर्स की बात ना मानकर ये केस को लड़ा है ना, मुझे तो पूरा भरोसा था कि तेरे अगेंस्ट कोई ना कोई लीगल एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। लेकिन तुझे तो प्रमोशन दिया जा रहा है, अब हुए ना हमें एक साइड पर। बिल्कुल। बिल्लू जंपत। हाँ मैडम सर। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि अगर देश के लिए कुछ करना हो, सोसाइटी के लिए, कानून के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, एक सच्चे हिंदुस्तानी का जज्बा होना चाहिए। और आज तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बच्ची की जान बचाकर इस जज्बे को साबित कर दिया है, और इस सच्चे जज्बे के लिए ये तो बनता है। बैठे। देवल पार्क के इस बहुचर्चित मामले के बाद जहां हसीना मलिक और उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने जिस साहस और बहादुरी से काम लिया है उसे देखते हुए सीएम साहब के इमीडिएट ऑर्डर पर हसीना मलिक को बहुत जल्द डीएसपी के पद पर प्रमोट किया जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा मैम आपको ये प्रमोशन की खबर सुनकर? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कोई भी जीत कभी किसी अकेले की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, मेहनत होती है, डेडिकेशन होता है। There's always a team, जैसे कि हमेशा हमारे साथ रही है हमारी ये टीम, बहुत ही होनहार और काबिल लोगों की टीम। तो टेक्निकली ये प्रमोशन और ये जीत हम सब की जीत है। हमें बहुत खुशी है कि अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे और इस सच की लड़ाई को जारी रखेंगे। और उस लड़ाई का क्या जो आप अभी लड़कर आ रही हैं? क्या आपके इस कदम के बाद हम कुछ बदलाव देख सकते हैं? देखिए, देवल पार के इस संस्करण के बाद विभाग ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। देवल पार के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांव में कहीं किसी एक जगह पर थाना स्थापित किया जाएगा और वहीं से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। तो हम विश्वास दिलाते हैं
देवल पार के क्षेत्र के सभी रहवासियों को कि वहां पर अब कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होगी, अब कोई अराजकता नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, किसी ने करने की कोशिश की, तो ऐसे अपराधी को उठा के सीधे सीधे जेल में ठूस दिया जाएगा। और ये सब संभव हो पाया है हसीना मलिक जी के कारण। हमें और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर और आपकी टीम पर गर्व है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।